किसान भाइयों, गेहूं की खेती तो भारत में सभी किसान भाई करते हैं, लेकिन गेहूं का जो उत्पादन है, अगर भारत में टॉप 10 रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने वाले किसान में गिने चुने किसान आते हैं, वो किसान ऐसा कौन सा फार्मूला, कौन सा वैरायटी को लगाते हैं जिसके कारण से उनका जो गेहूं है सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है और वो एक नया रिकॉर्ड बना पाते हैं। तो किसान भाइयों, आपने भी गेहूं की खेती करते हैं और अभी तक आपने अच्छी उत्पादन नहीं लिए हैं, उत्पादन से अभी तक किसान भाई खुश नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में किसान भाइयों भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गेहूं की टॉप 5 वैरायटी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बस किसान भाइयों, आप लोगों से अनुरोध है, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि हमने लास्ट में जो 5वें नंबर पर जो वैरायटी रखा है और 3री नंबर पर जो वैरायटी रखा है, वो दो वैरायटी जो है ना पूरे टॉप 10 लेवल पर वैरायटी आती है जिसकी उत्पादन काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं गेहूं की टॉप 5 उन्नत किस्में जिसकी खेती आप सभी किसान भाइयों को करना चाहिए। किसान भाइयों, हमने पहली नंबर पर जो वैरायटी रखा है गेहूं की, वो है DBW 187, जिसे लोग करण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, इस वैरायटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसको ज़्यादातर उत्तर पूर्वी मैदान के लिए बनाया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी जगहों के लिए ये वैरायटी काफ़ी फेमस है। किसान भाइयों, इस वैरायटी की अगर मैं बुआई की बात करूँ तो इसकी बुआई आप किसान भाइयों 1 नवंबर से 25 नवंबर तक के बीच इस वैरायटी का बुआई आप कर सकते हैं। जो हमने DBW 187 यानी करण वंदना बताया, उसके अगर मैं पौधे की ऊंचाई की बात करूं किसान भाइयों, तो 100 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है। अगर मैं इसकी पहली यानी कि बाली निकलने की समय अवधि की बात करूं तो 77 दिन में इसकी बाली निकलना आरंभ हो जाता है। किसान भाइयों, अगर आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज कितना लगेगा ये भी जान लीजिए। तो इस वैरायटी को अगर बुआई करते हैं तो 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज लगेगा। अगर इस वैरायटी में कितनी सिंचाई आपको करना चाहिए अच्छी उत्पादन लेने के लिए, तो 6 से 7 सिंचाई की ज़रूरत पड़ जाती है। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूँ इसके प्रति पौधे यानी कि पौधे में कितने कल्ले टिलीडिंग कितने आते हैं, तो 10 से 12 कल्ले इसके एक पौधे में निकल जाते हैं आसानी से। अगर मैं किसान भाइयों बात करूं इसका 1000 दाना का वजन कितना होता है, तो हमने 1000 दाना का इसका वजन किया तो 42 ग्राम इसका वजन था। तो मान के चलिए 1000 दाने का वजन 40 से 45 ग्राम का बीच रहता है। किसान भाइयों, पूरी तरीके से पक कर तैयार होने में इस वैरायटी का समय की बात करूँ तो 125 से 130 दिन का समय पूरी तरीके से तैयार होने में लग जाती है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे जहाँ पे सारे किसान भाई अब सोचते हैं उत्पादन है। तो इस वैरायटी को ही मैं उत्पादन की बात करूँ तो 25 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी करण वंदना का उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, अब ने हम जो दूसरे नंबर पर जो वैरायटी रखा है उसके बारे में अब जान लेते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अभी बहुत सारा ऐसी वैरायटी है जो बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देती है, जिसको जानना, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन उस वैरायटी के बारे में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर की जो वैरायटी है HI 8759, जिसे पूसा तेजस के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इस वैरायटी की किसान भाइयों बात करूं कि पूरी तरीके से तैयार होने में कितना दिन का समय लग जाता है, तो किसान भाइयों बता दें कि 130 से 135 दिन का समय इस वैरायटी को पूरे तरीके से तैयार होने में लग जाती है। अगर मैं बात करूँ इस वैरायटी की कितनी जो इसके पौधे की हाइट होती है वो कितना होता है, तो 82 से 90 सेंटीमीटर तक इसकी पौधे की हाइट होती है। अगर मैं बात करें किसान भाइयों इसकी बुआई का समय, तो इसकी बुआई आप 1 अक्टूबर से 20 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों बात करें इस वैरायटी के बारे में, तो अधिक फुटाव वाला पौधा होता है। अगर मैं इसकी 1000 दाना का वजन की बात करूँ, तो हमने इसका 1000 दाना का वजन किया तो 60 ग्राम इसका वजन आया था। अगर मैं बात करूं इसकी उत्पादन की किसान भाइयों, तो इसकी जो उत्पादन है आपको करण वंदना के मुकाबले ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसकी जो फल होती है यानी कि इसकी जो दाना होती है वो वजनदार होती है। तो इसकी 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी उत्पादन निकल जाती है। किसान भाइयों बात करें अगर मैं इसकी सीड्स की यानी कि बीज की कितनी आवश्यकता होगी आपको, तो 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज लगेगी किसान भाइयों। अब हमने जो वैरायटी रखा है किसान भाइयों 3री नंबर पे, उस वैरायटी के बारे में जान लेते हैं।
तो किसान भाइयों आपके बता दें कि तीसरे नंबर पे जो वैरायटी है वो है HD 2967। अगर मैं बात करूँ इसकी बुआई का समय तो 15 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर के बीच आप इस वैरायटी का बुआई कर सकते हैं। इसकी बाली की लंबाई की बात करूँ तो 14 से 15 सेंटीमीटर इसकी बाली की लंबाई होती है। अगर मैं बीज की बात करूँ कितना लग जाएगा आपको इसकी बुआई करते समय, तो 45 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज आपको लग जाएगा। किसान भाइयों बात करें कि इसका समय अवधि क्या है, यानी कि यह कितने दिनों के अंदर में पूरे तरीके से तैयार हो जाता है, तो 135 से 140 दिन का इस वैरायटी को पूरे तरीके से तैयार होने में समय लग जाता है। किसान भाइयों अगर मैं बात करूं इसकी उत्पादन की, यानी कि प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी का उत्पादन कितना है किसान भाइयों, तो इसकी जो उत्पादन है 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी का उत्पादन रहने वाला है। अगर बात करें कि कितने सिंचाई में यह वैरायटी पूरे तरीके से तैयार हो जाती है, तो किसान भाइयों आपको बता दें कि इस वैरायटी को पूरे तरीके से तैयार होने में लगभग आपको 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं बात करूं इसकी पौधे की कितनी ऊंचाई होती है, तो आपको बता दें किसान भाइयों इसकी पौधे की जो ऊंचाई होती है 100 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर तक की लंबाई इस पौधे की, पूरे पौधे की लंबाई होती है। अगर मैं बात करूं एक पौधे में कितना फुटाव होता है जिसे कल्ले भी कहते हैं, तो किसान भाइयों फुटाव की बात करें यानी कल्ले की, तो 15 से 18 कल्ले एक पौधे में इस वैरायटी का निकल जाता है। किसान भाइयों अगली नंबर पर जो हमने वैरायटी रखा है वो बता दें, चौथी नंबर पर जो वैरायटी आती है किसान भाइयों, श्री राम सुपर 303। किसान भाइयों इस वैरायटी के बारे में अगर बात करें श्री राम 303 के बारे में, तो इसकी जो ऊंचाई होती है 90 से 95 सेंटीमीटर इसकी पौधे की ऊंचाई होती है। अन्य वैरायटी के मुकाबले इसकी पौधे की ऊंचाई थोड़ा कम होता है। किसान भाइयों अगर समय की बात करूं तो इस वैरायटी की बुआई का उपयुक्त समय जो है 25 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक इस वैरायटी की बुआई का समय है। अगर मैं बात करूं पूरे तरीके से इसको कितना सिंचाई लग जाती है पूरे तरीके से तैयार होने में, तो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाएगी इस वैरायटी को अगर आप लगाते हैं। बात करें स्पेशली कौन सी स्टेट में इसको ज़्यादातर लगाया जाता है, कहाँ के किसान भाई ज़्यादा लगाते हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, इन सभी जगहों पर इस वैरायटी को काफ़ी पसंद किया जाता है और अच्छी उत्पादन भी देती है ये वैरायटी। किसान भाइयों आपको बता दें कि इस वैरायटी का 1000 दाना का हमने वजन किया, जिसका वजन 50 से 60 ग्राम के बीच आता है 1000 दाने का। इसके लिए मिट्टी की बात करूँ कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो वैसे तो कोई भी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार आपको लेनी है किसान भाइयों तो दोमट मिट्टी में अगर इसकी खेती करते हैं तो उसमें बेहतरीन पैदावार मिलती है। और साथ ही बता दें कि ये जो वैरायटी है किसान भाइयों सभी बीमारियों के प्रति सहनशील होता है, इसमें रोग लगने की समस्या कम होती है। किसान भाइयों अगर पूरी तरीके से तैयार होने में कितना समय इस वैरायटी को लगता है, तो 130 से 135 दिन में पूरे तरीके से यह जो वैरायटी है पूरे तरीके से तैयार हो जाता है। अगर मैं उत्पादन की बात करूं कि प्रति एकड़ के हिसाब से कितना उत्पादन दे देती है, तो 22 से 29 क्विंटल प्रति एकड़ इस वैरायटी का उत्पादन रहने वाला है किसान भाइयों। अब जो हमारा लास्ट वैरायटी है, जो टॉप नंबर वन पे जो वैरायटी आती है, जो पाँचवीं नंबर पर हमने रखा है, ये सबसे बेस्ट वैरायटी है किसान भाइयों। पाँचवीं नंबर का जो वैरायटी है DBW 303, जिसे लोग करण वैष्णवी के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों इस वैरायटी की अगर मैं बुआई की बात करूँ तो 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच इस वैरायटी की आप बुआई कर सकते हैं। अगर मैं इसकी समय की बात करूं कितना दिन का समय लग जाता है इस वैरायटी को पूरे तरीके से तैयार होने में, तो किसान भाइयों आपको बता दें कि इस वैरायटी को तैयार होने में लगभग 135 से 140 दिन का पूरे समय लग जाती है पूरी तरीके से तैयार होने में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है जो किसान भाई जानना चाहते हैं, इस वैरायटी का उत्पादन। किसान भाइयों उत्पादन में ये जो वैरायटी है रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती है। अगर उत्पादन की बात करूँ एवरेज उत्पादन, तो 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन रहने वाला है। अब ये डिपेंड करता है आप किस विधि से किस तरीके से खेती करते हैं, लेकिन हाईएस्ट जो इसकी उत्पादन है वो 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक रहने वाला है। अगर मैं इसकी पौधे की ऊंचाई की बात करूं आपको किसान भाइयों, तो 95 से सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की बीच की इसकी पौधे की हाइट रहती है। इस वैरायटी में एक खास बात देखने को मिलती है किसान भाइयों, जो किसान भाई फसल गिरने के समस्या को लेकर परेशान रहते हैं, उनका फसल गिर जाते हैं,
तो इस वैरायटी की गिरने की समस्या काफी कम होती है, ना मात्र में होती है इसकी समस्या। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं इस वैरायटी को पूरे तरीके से तैयार होने में कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वैरायटी को पूरे तरीके से तैयार होने में 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। अब जो किसान भाई लगाना चाहते हैं उनको बता दें कि प्रति एकड़ बीज कितना लगेगा। तो किसान भाइयों आपको बता दें कि 40 kg से 50 kg के बीज आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बीज इसका लगता है। 1000 दाना के एकड़ में वजन की बात करूं तो इसकी 1000 दाना का जो वजन है 40 ग्राम से 50 ग्राम तक का बीज का वजन आता है। तो किसान भाइयों हम आपको गेहूं की टॉप 5 उन्नत किस्में बताया जो भारत में सबसे अच्छी उत्पादन देती है। आप इस वीडियो को और भी किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि हमारे जो किसान भाई है वो जान सके वैरायटी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।